आपके आए 94.4% आई टोटल। अच्छा सॉरी सॉरी नहीं ठीक है सॉरी भाई सॉरी वरुण भूमिका भूमिका कौन पे नाएगा मम्मी आप आ जाओ आ जाओ तालियां भाई भूमिका के लिए खुश रहो बेटा खुश रहो कैसा लग रहा आपको ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा पर ठीक है नहीं मतलब आपकी 96.6% है कैसे मैनेज करा इतना लाना सर इससे ज्यादा की उम्मीद थी पर अगर एग्जाम दिए होते 96.6 तो आपकी परसेंटेज और मैथ में 95 बहुत अच्छा परसेंट है बेटा और आपके विचार कुछ टॉपर्स के बारे में या मैथ्स वाइज के जोशी चैनल के बारे में सर के चैनल ने बहुत हेल्प करी साइंस में मैथ्स में मतलब सारे दोनों सब्जेक्ट में ना जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वो अलग है पर एक बार सर के चैनल से भी पढ़ लेते हैं ना तो समझ आ जाता है और मैं तो वहाँ 8th क्लास से पढ़ती हूँ तो सब क्लियर हो जाता है मुझे तो ऐसे तो नहीं मेरे सामने बोल रहे हो नो सर थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन आगे के लिए शुभकामनाएं है ना आप बेटा ये लो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए है ना खुश रहो और हर्षिता की बहुत अच्छी 94% है हर्षिता तो क्या रहा मतलब क्या आपका फीडबैक क्या रहा कि क्या होना चाहिए मार्क्स में या ठीक है मार्क्स तो इससे ज्यादा थे और मैथ्स में थोड़े कम आ गए पर कोई बात नहीं इस बार पेपर नहीं हुए थे है ना पेपर नहीं हुए थे तो हम बोल सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी 94-90 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है ना तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा और आगे क्या करना है अभी तो 11th की 12th की तैयारी और IIT के लिए पढ़ रही अच्छा आपने टॉपर्स कब ज्वाइन किया मैंने 9th में अच्छा 9th में कैसा रहा मतलब अच्छा था आपके चैनल से भी बहुत कुछ पढ़ा और हेल्प तो बहुत मिली पेपर के लिए भी ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दोनों को बहुत बहुत है ना शुभकामनाएं आगे के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं ठीक है ठीक है थैंक यू आपके आए 94.4% आई टोटल अच्छा सॉरी 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 भाई सॉरी वरुण आपके आए 95.4% और मैथ में 98 आप ला पाए कैसा लग रहा है सर अच्छा तो लग रहा है बट अगर पेपर होते तो ज्यादा मेहनत कर सकते थे और अच्छा आ सकते थे मतलब आपका टारगेट 100 में से 100 लाने का था मैथ में है ना यस सर और मैं ये बता दूं कि वरुण 100 में से 100 डेफिनेटली ले आता बहुत सारे बच्चे 100 मैथ में ले आते अगर पेपर होते तो ये डेफिनेट था लेकिन वरुण फिर भी बहुत अच्छा परसेंटेज है बेटा ठीक है यस सर थैंक यू कब से आप टॉपर्स में या मैथ बायस के जोशी में पढ़ रहे हो सर 9th क्लास से पढ़ रहा हूँ अच्छा कैसा लगा आपको क्या फीडबैक रहा सर बहुत अच्छा फीडबैक रहा है और अभी भी सोचा है कि आगे 11th 12th भी मैथ्स वहीं से पढ़ूं ठीक है थैंक यू बेटा अगर ये सोच रहे तो और मतलब आती मैथ समझ में यस सर अच्छा एक चैनल भी मैंने खोला है वेबसाइट भी मैं बना रहा हूँ है ना मतलब अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रहा हूँ हर तरीके से तो क्या आप कहना चाहोगे बच्चों क्या मैसेज देना चाहोगे सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पढ़ना है तो मन से पढ़ो और उस पर ध्यान देना है ज़्यादा पढ़ाई में और खास करके ऐसे सब्जेक्ट में जो सबसे वीकर सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है तो ये छोटा सा सम्मान है हमारी तरफ से ठीक है कनिष्क अब आपके आए 93% है ना तो क्या हो रहा है सर सही है सही मतलब क्योंकि पेपर दिए नहीं था सर कोई वैसा था नहीं मतलब कनिष्क को लगता था कि और अच्छी परसेंटेज आ सकती थी हैं सर परसेंट तो पता नहीं सर मैथ्स में रुके थे थोड़े कम बाकी तो सही है अच्छा बाकी सही है तो आगे 12th में तो मैथ में 100 में से 100 लाओगे आप सर पेपर देख के देखेंगे सर पेपर अगर आसान आएगा तो आ जाएंगे सब ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा बहुत बहुत आगे क्या करना चाहते हो सर अभी तो सर कुछ सोचा नहीं है सर 12th ही देखता हूँ अभी तो यस सर तो कनिष्क ये हमारी तरफ से छोटा सा हुआ है ना ठीक है अभी अंजलि है अंजलि के आ रखे हैं मैथ में 98 और 95% अंजलि कैसा महसूस हो रहा है ठीक लग रहा है 95 और 98 लेके सिर्फ ठीक ही लग रहा बस सर क्योंकि पेपर नहीं दिए थे बिना पेपर के मार्क्स है तो नहीं लेकिन तुम डिजर्व करते हो बेटा बिना पेपर के मार्क्स नहीं मेहनत है तुम्हारी डिजर्व करते हो जो भी मार्क्स है वो ऐड हुए हैं ना तो सेटिस्फाई हो आपने मार्क्स से यस सर ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा है ना और टॉपर्स में आप कब जुड़े सर 8th क्लास कुछ आपका व्यू कुछ बोलना चाहते हो सर टॉपर्स कोचिंग सेंटर एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है जिससे कि आपको हमेशा प्रोग्रेस ही मिलेगी लाइफ में चलो ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा है ना ये आओ के लेके कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया के मार्क्स आ रखे 90% श्रेया क्या फीडबैक है ठीक है खाली रिएक्शन है ठीक है 90% बहुत बढ़िया मार्क्स है बेटा है ना आगे क्या करोगे
सर अभी तो कुछ सोचा नहीं है, बस 12th। अच्छा, 12th देना है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। श्रेवी बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, है कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया, खुश हो बेटा, खुश हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अंजलि क्या रखे 89.6, अंजलि क्या फीडबैक, क्या रहा? सर इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करा था, पेपर नहीं दिए तो सर। कोई बात नहीं, 89.6 बहुत अच्छी परसेंट है बेटा, है ना, और आगे 12th में बहुत अच्छा करोगे। इसको पॉजिटिव वे में लो और अच्छा करो, मतलब ये सोचो कि 89 अगली बार मैंने इसको उल्टा कर देना, 98 कर देना, ठीक है? यस सर, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि। और तुम कुछ मतलब जैसे मैं कुछ टॉपर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, मेरा मेन मोटिव ये था ये मैथ बाय एसके जोशी चैनल चलाने का, कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उस पर भी मैं इक्वल पढ़ाता हूँ। तो कुछ फीडबैक आपका कि ठीक लगा, आपने कभी देखा हो चैनल? यस सर, यूट्यूब में भी सर बेस्ट है, लाइव वीडियोस बेस्ट रहती हैं सर, सब डाउट क्लियर होते हैं सर। स्कूल में जिस तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है ठीक से, तो उतना सर अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, थैंक यू बेटा, और कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें, है ना, आगे के लिए शुभकामनाएं, आगे के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। अदिति को पूछेंगे, अदिति कैसा रहा? बहुत गंदा रिजल्ट था, मैंने मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया, 90 अबव किया था बट आए नहीं मेरे तो 75%। हाँ, अदिति ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत अच्छी लड़की थी, इसके प्रोजेक्ट वगैरह सब चीज़ A1 रहता था, मतलब 90 हम सोचते थे अंजलि और अदिति, तो थोड़ा सा अदिति के कम रहे, वो मेरे को बहुत कम है, वो मेरे को फैक्टर नहीं पता क्या है, लेकिन 77.6 बहुत अच्छी परसेंटेज है बेटा, 78 बहुत अच्छी है, और आई होप कि आप 12th में धमाका कर दोगे, है ना, पूरी कोशिश ऐसी रहेगी, क्योंकि एक्चुअली में इस बार पेपर नहीं हुए थे, तो पेपर नहीं हुए थे तो मार्क्स कैसे हुए, क्या डिस्ट्रीब्यूट है ये कुछ नहीं पता, तो कैसे CBSE ने क्या घुमाया चक्कर कुछ नहीं पता, पर उसका जो पहले का रिजल्ट था बहुत अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, इसको पॉजिटिव लेना, अगले बढ़िया करना है ना, धमाका करना है, और कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, मेरे तो बेस्ट ही हो हमेशा तुम लोग, है ना। ठीक है प्रांजल, आपकी परसेंटेज क्या रही बेटा? सर 93, बहुत अच्छी परसेंट है, तो कैसे मैनेज किया आपने 93% लाना? बहुत बड़ी बात है। इस बार तो क्या बोलते हैं, जैसे कोरोना हो गया था तो हम पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, तो ज़्यादातर मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, और ज़्यादातर कभी इसमें मैं आप ही का चैनल देखता था, क्योंकि क्या बोलते हैं, और किसी चैनल में ऐसे नहीं होता है, बीच बीच में कट जाता है, आधा कोर्स कट जाता है, तो आपके चैनल से भी बहुत अच्छा वो मिला। और बाकी इस बार मैंने सोचा था कि अच्छी रहूँगा, लेकिन उसके हिसाब से हो गया वो गड़बड़। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रांजल ICSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड दोनों के दोनों बच्चे ICSE बोर्ड से हैं, और ICSE बोर्ड CBSE से काफ़ी टफ माना जाता है, CBSE से काफ़ी टफ माना जाता है। दोनों बच्चे मेरे साथ अब जुड़े, मेरे पास इस बार 11th में मेरे पास जुड़े, दोनों CBSE में आए, पहले ICSE में थे, इससे पहले मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैं इतना जान गया कि दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत बेस्ट है, और मेरे को ये उम्मीद है कि 12th में ये बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को देंगे, 100 marks मैं सोच के चला हूँ कि मैथ में देंगे, दोनों ही बहुत टैलेंटेड है। तो अब आपने टॉपर्स ज्वाइन करा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मेरी दीदी भी आप ही ट्यूशन से पढ़ती थी, तो उसके भी बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, और क्योंकि उसे तो मैथ्स में कभी अच्छा आता भी नहीं था, आप ही के चक्कर में उसे ली थी, और क्या बोलते हैं, उसके अच्छे भी आए, तो प्रज्ञा दीदी की उससे तो मेरे को ऐसा लगा था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बेटा, आई होप कि आप बहुत बढ़िया करो, धमाका करो 12th में, है ना, तो ये मैं तुम्हारे लिए एक सम्मान है छोटा सा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आगे बहुत अच्छा करना है ना। रितिका कैसी परसेंटेज रही? 91% बहुत अच्छी बेटा, तो कैसे मेहनत करी आपने 91 लाने के लिए? सर बस ट्यूशन, इस बार कोरोना था तो यूट्यूब से पढ़ा। ठीक है, अब की बार आप टॉपर्स में जुड़े हो तो कैसे लग रहा है? सर यहाँ पर तो सब समझ में आ रहा है, इस बार बोर्ड भी थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना, बेटर लग रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, है ना, आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आगे 12th में बहुत अच्छा करना है, ठीक है, खुश रहो खुश रहो। ठीक है, कैसे रहा इस बार? सर बहुत गंदा। अच्छा, इस बार उसे को थोड़ा वो लगा क्योंकि पर नहीं हुए तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रह गए, लेकिन आगे बहुत बेस्ट करोगे बेटा, उम्मीद है ना, जो भी आपने करा बहुत मेहनत करी पूरे साल भर, ठीक है, और आगे 12th में बहुत अच्छा करना है, ठीक है, तो ये छोटा सा हमारी तरफ से ये आप, है ना, खुश रहो बेटा। कैसा रहा तुम्हारा ये साल? बेकार क्यों रहा? 72% ला रहे हो, अच्छी परसेंट है बेटा, 70 पास करना अच्छी बात है ना, और 12th के लिए क्या प्लानिंग है? कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा है ना ये छोटा सा। ठीक है,